सभी भाई को राम राम आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका अपने चैनल में आकाश शर्मा रिसर्च वीडियो में। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो कबूतरबाजी से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज अलग है। आपके आसपास ही आपके छत पर ऐसे कबूतरबाज बहुत आते होंगे, आपने कई बार देखा होगा कि शौक करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये कबूतर बहुत अच्छा है तुम्हारा, यार ये पिलका बहुत अच्छा है, वो काला बहुत अच्छा है, वो चांदा बहुत अच्छा है, ये चौकीदार बहुत अच्छा है, सब अच्छे कबूतर बताते हैं। ओके, आपको ये भी कमेंट करते होंगे भाई कभी भी तेरे को मेरी जरूरत पड़े तो आधी रात को फोन कर दियो, मैं आधी रात को तेरे लिए हाजिर हूँ। ऐसे भी कबूतरबाज आपके यार दोस्त वगैरह जरूर होंगे, सब नहीं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होंगे जो आपको आधी रात के लिए खड़े मिलते होंगे। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है लोगों की, आपको मान लीजिए आपका जाल टूट गया है, आपको जाल अपना रिपेयर करना है या नया बनाना है, या फिर कबूतर से रिलेटेड कुछ बीमारी है वो पता करनी है, आप उनको फोन करते हैं कि भाई मुझे आज तेरी जरूरत है तू आ जाओ, तो उस कंडीशन में होता क्या होगा? देखिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे साथ में जो हुआ है, मैंने भाई को फोन करा, मैंने भाई ऐसे ऐसे मेरे जाल खराब हो गया है, उसका चेहरा खराब हो गया, बिल्ली ने थोड़ा सा तोड़ दिया है, तो आकर के ठीक कर जा इसको, मैं हेल्प कराता हूँ, हम दोनों भाई साथ में मिल करके कर लेंगे। ठीक है, कहता हाँ भाई कोई बात नहीं, जिस टाइम भी तुझे करना हो मुझे फोन करियो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, छुट्टी वाले दिन संडे को उसको कॉल करा, मैंने भाई कहाँ पर है यार, आजा कर ले, दोनों भाई कर लेंगे फटाफट से। हाँ भाई आ रहा हूँ, उसके बाद फोन करा 15 मिनट बाद, आधा घंटा वेट करा, 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर से उसके घर का, भाई का नहीं आया, व्हाट्सएप कॉल किया उसको, व्हाट्सएप वॉइस नोट छोड़ा मैंने, मैंने आ जा यार, आना है तो बता दे, नहीं आना तो बता दे यार, कम से कम क्लियर तो रख बात को, तुझे आना है या नहीं आना है, क्लियर हो जाती है ये चीज। आप किसी को धोखे में मत रखिए। देखिए अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप उसको कह दीजिए क्लियर कि हाँ भाई मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकते तो आप उसको क्लियर मना कर दीजिए मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता भाई, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, ये काम है मुझे भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप दूसरे इंसान को धोखे में मत रखिए प्लीज, किसी भी तरह से। मेरा मानना ये है कि वो बंदा नहीं आया मेरे पास में, आप यकीन मानेगा मैं अपने जाल में रिपेयर करने में लगा था, दोपहर के 2 बजे लगा था और रात को 10 बजे लगा था, वो भाई नहीं आया। आपके यहाँ भी बहुत सारे आस पड़ोस में ऐसे बंदे होंगे जो आपकी छत पे आते होंगे, जब आपको जरूरत पड़ती होगी किसी काम के लिए, भाई ये काम कर दे, तो आपके पास नहीं आएंगे। और जैसे ही आपको कुछ कबूतर हटाने होंगे ना, अपने 10-15-20 या जोड़े वाले 2-4 कबूतर हटाने होंगे, आपके पास फौरन से आ जाएंगे, भाई ये कबूतर हटा रहा है, ये पिलका मुझे दे दे यार, ये चांदना मुझे दे दे यार, भाई भाई नहीं है, मैंने तेरा इतना साथ दिया तो मेरे को ये कबूतर नहीं देगा क्या, ये वो फलाना ढेर, तो लंबी चौड़ी बातें कर लेंगे। होता है या नहीं होता ऐसा आपके साथ में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंसानों से जरूर बच के रहिएगा, और गैप बना करके रखिएगा, हमेशा इतना रखिएगा आटे में नमक, जरूरत पड़ने पर जो आपके साथ में आप खड़ा हो हमेशा उसी के साथ में खड़ा होना है आपने, ये ध्यान रखिएगा कि पीठ में छुरा घोंपने वाले बहुत मिल जाते हैं और साथ में खड़े होने वाले बहुत कम मिलते हैं, नसीहत देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको लेकिन साथ देने वाला कभी कोई नहीं मिलता है, हमेशा याद रखिएगा मेरी बात। वीडियो अगर जरा सी भी अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आती रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।